ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अपने दलित वोट बैंक को वापस लेने की कोशिश में लगे कांग्रेस के बड़े नेता अब सफाई कर्मचारियों के रिटायरमेंट समारोह में भी पहुंच रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के काल में उन्हें कोई परेशानी हुई। दिल्ली नगर निगम कर्मचारी यूनियन के महामंत्री रहे विनोद सेनांदी के सेवानिवृत्त समारोह में पहुंचे निगम में कांग्रेस दल की नेता प्रेरणा सिंह और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन, उन्हें कांग्रेस के दिन कैसे याद दिलाए, देखिए ये रिपोर्ट। से काम करता आ रहा था, आज वो दिल्ली नगर निगम से सेवा मुक्त होने जा रहा है। मैं इस मौके पे यहाँ की लेबर का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में दलित वोट बैंक कांग्रेस से क्या दूर हुआ? कांग्रेस सत्ता से ही दूर हो गई। अपने इस वोट बैंक खासकर वाल्मीकि समाज को कांग्रेस फिर से साधने में लगी है। उन्हें याद दिला रही है कि क्या सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस के काल में कभी ऐसी परेशानी हुई थी। दिल्ली नगर निगम कर्मचारी यूनियन के महामंत्री रहे विनोद सनंदी के सेवानिवृत्त सम्मान समारोह में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जय किशन और नॉर्थ एमसीडी में कांग्रेस दल की नेता प्रेरणा सिंह ने भी यही सवाल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी यूनियन के कई लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के शासनकाल में निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अब निगम कर्मचारी रिटायरमेंट के समय भी खाली हाथ लौट रहे हैं। बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्म आती है हमें कि इतने सालों एक कर्मचारी अपनी सेवा देता है और पूरी जिंदगी को लगा देता है, उसके बाद आज रिटायरमेंट पर उसको अगले महीने के लिए खाने पीने के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा और पेंशन का भी कोई गारंटी नहीं है और जो रिटायरमेंट का बकाया पैसा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है और खाली हाथ लौट रहे हैं। बड़ा दुख आता है कि अगर जो कांग्रेस आज होती तो मैं आज ऐसे नहीं होने देता, क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्पित और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इस आयोजन में पहुंची कांग्रेस दल की नेता प्रेरणा सिंह ने कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि आज समाज की अनदेखी हो रही है। दिल्ली नगर निगम की इस हालत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही मिले हुए हैं और दोनों की नूरा कुश्ती के कारण आज दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का ये हालात है। कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तनख्वाहों के लिए हमारे कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़े या हड़ताल करनी पड़े। आज दोनों के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी की अनदेखी हो रही है तो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हो रही है। और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से सैनिक देश के लिए लड़ता है, ये सफाई कर्मचारी शहरों को जीने के लायक बनाते हैं, रहने के लायक बनाते हैं। कोविड महामारी में सफाई कर्मचारियों का इतना योगदान है, जब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे उस समय हमारे सफाई कर्मचारी सुबह 4-4 बजे उठ के 5-5 बजे उठ के अपनी ड्यूटी पे आते हैं और दिल्ली को साफ रखने में अपना योगदान देते हैं, तो ये दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। निगम सफाई कर्मचारियों की हालत पर दुख व्यक्त करते हुए कर्मचारी नेता राजेंद्र भजनी ने विनोद सनंदी को भाग्यशाली कहा कि वो रिटायर हो रहे हैं। बेहद ही दयनीय हालत में काम करते हुए जब उन्हें समय पर वेतन और अन्य भत्ते नहीं मिलते तो बहुत दुख होता है। दिल्ली सरकार भी इनसे भेदभाव करती है। कांग्रेस ही दलित समाज की असली हितैषी है। आज आज आज, आज, आज इस रिटायरमेंट के मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे रिटायर होते हैं लोग दुख मानते हैं कि साहब मैं रिटायर हो गया, नौकरी चली गई, तनख्वाह की आमदनी कम हो गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो रिटायर होता है वो सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी इस गंदगी में काम करते करते दुर्घटनावश या वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो विनोद जी, मैं सब फंक्शन में ये कहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपना सारा जीवन सफाई कर्मचारियों के साथ काम मिलकर काम किया और यहाँ पर मेहनत से, ईमानदारी से, बिना लाग लपेट के आपने अपना जीवन प्राप्त किया, यहाँ जीवन सफल बनाया। नजदीक आते दिल्ली नगर निगम चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के बड़े नेता दलित समाज के छोटे छोटे आयोजनों में पहुंचकर उन्हें कांग्रेस काल के दिन याद दिला रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के अंदर बड़ी सेवा करी विनोद जी ने, बहुत अच्छे 35-40 साल के लगभग अच्छा कर्मचारियों के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत रहा।
और पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार वाले आज के दिन अच्छे हैं या कांग्रेस काल में गुजरे दिन। उनके ये सवाल कितना असर डालते हैं ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ जूही तोमर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर